इस पोस्टर को जरा ध्यान से पढ़िए, लगेगा ऐसा जैसे बीजेपी ने क्या तीर मारी है, पोस्टर छापने वाले ने क्या खूब प्रोपेगेंडा चलाया, ये तो आगे आपको डिटेल में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले पोस्टर में छपे एक एक शब्द को पढ़िए और समझिए। पोस्टर की हेडिंग है फर्क साफ है, कमल निशान बना हुआ है, साथ में योगी और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तस्वीर लगी है। सपा सरकार और बीजेपी सरकार का फर्क बताया जा रहा है। सपा सरकार वाले पोस्टर में जानबूझकर दहकते शोलों की तस्वीर लगाई गई है ताकि आप देखकर भड़क सकें, और बीजेपी वाले साइड के अक्षरों को जानबूझकर बड़ा बड़ा करके लिखा गया है। लगता है किसी अच्छे फोटोशॉप वाले को बीजेपी ने काम पर लगाया था। पोस्टर में दावा किया गया है कि सपा सरकार में जवाहर बाग कांड जैसी घटनाएं हुई और बीजेपी की योगी सरकार आई तो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर जवाहर बाग कांड के आरोपियों पर कार्रवाई हुई। साथ में खूबसूरत अक्षरों में लिखा है, जीतेगा विकास, जीतेगा यूपी। इसे ही कहते हैं खुल्लम खुल्ला झूठ बोलना। नहीं समझे, जवाहर बाग को खाली करने का ऑर्डर भी अखिलेश सरकार ने ही दिया था। इस पोस्टर की सच्चाई आगे बताएं उससे पहले जवाहर बाग कांड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। 2 जून 2016, जगह मथुरा का जवाहर बाग, शाम के 5 बज रहे थे। 2014 से ही जवाहर बाग की जमीन पर राम वृक्ष यादव नाम के शख्स ने कब्जा किया हुआ था। गाजीपुर का रहने वाला राम वृक्ष अपने गुर्गों के दम पर किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। उन लोगों के पास हथियारों का जखीरा भी था। पुलिस के लिए चुनौती बहुत बड़ी हो चली थी। स्वाधीन भारत नाम के संगठन ने जवाहर बाग पर 2 साल तक अवैध कब्जा किए रखा। उसने जबरन इस पार्क को आम लोगों के लिए बंद कर दिया और पार्क खाली करने के लिए रामवृक्ष यादव सरकार के सामने उल जुलूल शर्तें रख रहा था। यह अवैध कब्जा था जिसे अखिलेश सरकार ने खाली कराने का ऑर्डर दिया। फायर हो रही है, फायर नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए तत्कालीन एसपी मुकुल द्विवेदी अपनी टीम के साथ पहुंच गए, लेकिन स्वाधीन भारत संगठन ग्रुप के लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में एसपी समेत एसआई संतोष यादव शहीद हो गए। कुल मिलाकर 30 लोगों की जान गई। स्वाधीन भारत संगठन का मुखिया रामवृक्ष यादव भी मारा गया। इस हमले में पूरा जवाहर बाग जल गया। जवाहर बाग की लंका में आग लग चुकी थी। तत्कालीन अखिलेश सरकार के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। फौरन सरकार ने इस पार्क के रिनोवेशन के लिए 36 करोड़ का फंड जारी कर दिया। इसी बीच 2 मार्च 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी, क्योंकि कुछ लोगों ने राजनीतिक बदले की वजह से अखिलेश सरकार को इस मामले में घसीटने की कोशिश की। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। नई सरकार आई और उसने पार्क के रिनोवेशन के लिए जारी करीब 36 करोड़ के फंड को घटाकर 12 करोड़ के आसपास कर दिया। बाद में सरकार ने इसमें थोड़ा इजाफा किया और इसे करीब 16 करोड़ के आसपास कर दिया। जवाहर बाग भारतीय जनता पार्टी के झूठ, धोखे और दुष्प्रचार का एक नमूना है। झूठ इसलिए कि इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाली नहीं कराया गया, यह समाजवादी पार्टी की सरकार में जून 2016 में ही खाली करा लिया गया था। उसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और 27 कब्जा करने वाले लोग मारे गए थे। जिस रामवृक्ष यादव को इसका सरगना बताया गया वो उसी रात खत्म हो गया था पुलिस एनकाउंटर में। उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने इस पार्क के सौंदर्यीकरण की घोषणा की थी और 36 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर पास कर दिया था। धोखा इसलिए मथुरा की जनता के साथ कि जब भाजपा की सरकार आई तो उस 36 करोड़ के प्रोजेक्ट को कम करके पहले 12 करोड़ 82 लाख किया गया और बाद में 15 करोड़ कुछ ज्यादा रुपए लगाकर इसको सौंदर्यीकरण कराया गया। उन्होंने सौंदर्यीकरण के काम को कम किया, उसको रोका। और धोखा दुष्प्रचार इसलिए क्योंकि विज्ञापन किया जा रहा है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इसकी कुछ किया है। जवाहर बाग से जब कब्जा हटा तब तक न योगी जी की सरकार आई थी न उस समय तक इस फोर्स का गठन हुआ था। नहीं समझे, जो लोग योगी सरकार की एंटी भूमाफिया वाला पोस्टर लगा रहे हैं दरअसल वो आपको बरगला रहे हैं, वो सच बता ही नहीं रहे। पहला सच, जवाहर बाग को अखिलेश यादव ने अपनी मेहनत पर खाली करवाया। दूसरा सच, कानून के साथ खेलने वालों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया अखिलेश सरकार ने। तीसरा सच, पार्क को ठीक करने का भारी भरकम फंड अखिलेश सरकार में ही जारी हुआ। योगी सरकार ने तो उल्टा उस फंड को घटा दिया। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, वैसे ही चेहरा पॉलिश करने के लिए एजेंडा अच्छा है। और ये हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, ये रहे इसके फैक्ट।
अखिलेश सरकार में जवाहर बाग के लिए कितना कैसे फंड जारी हुआ ये भी देख लीजिए। हाई कोर्ट के निर्देशन में सीबीआई जांच हुई, सीबीआई केंद्र में उनकी तब से लगातार सरकार है। 5 वर्ष में किसी एक समाजवादी पार्टी के नेता को न आरोपित किया गया, न पूछताछ के लिए बुलाया गया, न किसी से संबंध स्थापित किया गया। केवल भाजपा के लोगों ने यह दुष्प्रचार किया कि समाजवादी पार्टी के लोगों का इससे लेना देना है, जबकि सच ये है कि वो केवल वोट लेने के लिए कुछ भी प्रचारित करते हैं। और शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेके जो उनके सारे बड़े नेताओं ने माफी मांगनी चाहिए कि वो जवाहर बाग का ये प्रचारित कर रहे हैं कि ये एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इसमें कुछ किया है। उनको जवाब देना चाहिए लोगों को कि जो उन्होंने समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए थे वो सीबीआई जांच में निर्दोष साबित हुए, किसी पे आरोप भी नहीं बन पाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए इस जवाहर बाग कांड से ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को केवल राजनीतिक प्रयोग करती है। खैर, कहा जाता है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, इसलिए बीजेपी समझ चुकी है अखिलेश से जंग जीतनी है तो झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।